हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रेखा दीपक ब्लॉग्स में। और इस वक्त सुबह के टाइम हो रहे हैं 9:32 और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है और मैं निकलने वाला हूँ आज घूमने रेखा को छोड़ के। और आज का मौसम भी, वेदर बहुत ही प्यारा है। आज बस का सफ़र भी बहुत सुहाना लगेगा। ऐसे दिनों का तो इंतजार रहता है यार, मज़ा तो नहीं आएगा। नहीं, वैसे गर्मी नहीं लगी, वैसे तुम नहीं रहोगी संग में तो अच्छा तो लगेगा नहीं। और एक बार देख सकते हो हमारी तरफ का मौसम कितना प्यारा है, देखो। और इतनी हवा चल रही है, प्यारी प्यारी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। और ये है बस, जो कि इस बस का सफ़र करने वाला हूँ मैं आज। और रेखा ये खड़ी सामने, जो कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के आज रेखा को रूम पे ही। और कल मिलेंगे फिर। कोई नहीं, तुम्हारी मम्मी को लाने के लिए जा रहा हूँ। खुशी तो होनी चाहिए, खुशी तो होनी चाहिए, मम्मी आ रही है तो नहीं होती खुशी फिर? मुझे खुशी सबकी होती है, कोई भी आए मेरे घर पे। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ बस में, और रेखा खड़ी है नीचे। एक खड़ी रेखा, मैं बस में बैठ चुका हूँ और जा रहा हूँ छोड़ के तुम्हें बाबू। तो गाइस बाबू चल दिए, देखिए बस में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बस में जा रहे हैं छोड़ के अकेला अकेला छोड़ के जा। तो गाइस देख सकते हैं अकेले जा रहे हैं मुझे छोड़ के। कोई नहीं, शाम तक लौट आऊंगा। जुम कर रखा है क्या बाबू ये? रात को जल्दी जोर लगा। तो गाइस बाबू चलते हैं और हम भी चलते हैं फिर रूम की तरफ। बाबू तो जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी अकेली रूम पे। तो गाइस बस खुल चुकी है हमारी। तो गाइस बस खुल चुकी है हमारी और हम चल चुके हैं। बाय बबुआ। बाय बाय। तो गाइस अभी फिलहाल बस से उतर चुके हैं, बस हो गई। और वहाँ से पता है भाई, अपने सहन से बैठा पूरे रास्ते वीडियो नहीं बनाया, सोते सोते यार अकेला सफ़र कर रहा हूँ। और आज पहली बार रेखा को छोड़ के जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ इटा भाई अम्मा को लाने के लिए, यानी अपनी सासू मैया को लाने के लिए और रेखा के मम्मी को। तो इस बात की क्या खुशी भी है और थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी है, और पता नहीं, देखते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर से, एक फ्लाईओवर से एक बस और पकड़नी है और वहाँ से वो बस पकड़ता हूँ फिर निकलते हैं। और अच्छा भी नहीं लग रहा था काफ़ी, वो पूरे रास्ते सोचते हैं यार मैं क्या अकेले आज क्या करें, बट कभी कभी होता है। यहाँ देखो कितनी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं, और मैं ऊपर फ्लाईओवर पे आ चुका हूँ। और यहाँ से मुझे पकड़नी है एक और बस। काफ़ी करते हैं यहाँ पे बस का इंतज़ार, और कितने देर में बस आती है यहाँ पे, तो बस बहुत लेट आती है। यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा बस का, यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर लेते हैं बस का कितनी देर में आती है, फिर बस में बैठते हैं। भाई फिलहाल बस से उतर चुका मैं, और बहुत ही बुरी तरह भीड़ भाई साहब, बस में समझ में नहीं आता, वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा, इतनी गर्मी बता नहीं सकते, सिर में दर्द हो गया। बड़ी मुश्किल से कटे ये बस का सफर, टहर डेढ़ दो घंटे का, हालत ख़राब हो गई। हालत फिर चलचलाती धूप है, बता नहीं सकते। तो भाई अभी चल रहा है जीने पे, यहाँ पे खा लेते हैं कुछ फ्रूट वगैरह,
खा ले भैया, देना एक। तो गाइस फिलहाल वहाँ से फल खाने के बाद सीधा स्टैंड में आ गए भागते भागते, और बस यहाँ पे खड़ी है। अभी बस में बैठते हैं और फिर निकलते हैं अपने इटावा की तरफ। तो पहले तो यहाँ पे हवा ले ले, आराम ले ले, अभी 15-20 मिनट है बस चलने में, उसके बाद निकलते हैं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सीट तो अभी खाली है, हम बैठ चलते हैं क्योंकि अब तो सीट फुल हो जाए तो फिर वो भी दिक्कत होगा, लंबा सफ़र है जाने में भी दिक्कत होगी। चलते हैं बस में बैठते हैं पहले। बस फिलहाल बस में बैठ चुके हैं, बस आएगी 1:20 पर, अभी 12:40 हो रहे हैं, 15-20 मिनट है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैंने ले लिया एक पानी का बोतल, ये एक पानी का बोतल ले लिया मैंने, और एक ये चिप्स ले लिया। रास्ते के लिए थोड़ा बहुत सही है, काम भी चला, गर्मी नहीं लगेगी और कुछ चीज़ नहीं मिल पाएगा। बाकी देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना आप, काफ़ी इन्जॉय करना। और मैं आज अकेले ही सफ़र कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, कैसा रहता है सफ़र हमारा। अभी मेरी बात रेखा से हो गई है कमरे पे, मेरे को ये सो रही है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। बाकी देखते हैं बस कितना देर में चलती है, तो हवा थोड़ी बहुत आएगी। यहाँ लगी हैं बाहर दुकानें, देखो कितनी सारी नमकीन है, कुरकुरा कुरकुरा, पानी वानी, पेप्सी ठंडा ठंडा सब है। और आगे बस खड़ी हैं, और यहाँ अभी ड्राइवर सीट पे कोई नहीं है, ड्राइवर बाहर बैठा हुआ है, और मैं बैठा हूँ बिल्कुल ही आगे, देख सकते हो आप लोग। तो आज बस यहाँ से चल रही है, कुछ कुछ सवारियाँ बैठी हैं, तो आपकी बस चालू हो चुकी है, हम दिल्ली छोड़ते हुए और इटावा की तरफ प्रस्थान करते हुए। तो बस फिलहाल हम निकल चुके हैं, बस चालू हो चुकी है, स्टैंड से बाहर जा रही है। तो भाई अभी फिलहाल 7 बज चुके हैं 5, देख सकते हो कितनी भीड़ है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही है। फिरोजाबाद मार्केट है, ट्रैफिक भीड़ भीड़ दिखा, जहाँ तक आदमी को भीड़ ट्रैफिक ट्रैफिक है। Thank you.
तो गाइस फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं इटावा बस स्टैंड पे और मैं जस्ट अभी उतर गया और यहीं तक का सफ़र था हमारा इटावा तक का। और इटावा पहुंच के बाकी बहुत ही मुश्किल से पहुंचे यार, इतनी गर्मी, बहुत परेशान हो गए थे बस में बैठे बैठे और ये खड़ी बस। और अभी रात का टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करता हूँ एंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार से कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।